बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने प्रदेश सरकार द्वारा किराए में 25% बढ़ोतरी करने पर कड़ा ऐतराज जताया है। बड़सर कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी के चलते जहां देश में उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं, जिस कारण प्रदेश में लाखों की संख्या में युवा बेरोजगार हो चुके हैं, उन्हें रोजगार की व्यवस्था न करवाकर महंगाई बढ़ाकर आर्थिक बोझ के नीचे दबाया जा रहा है। बेरोजगार हुए युवाओं को अपना जीवन यापन करने के लिए मुश्किल हो रही है। वहीं प्रदेश सरकार ने बसों के किराए में 25% बढ़ोतरी कर आम जनता पर आर्थिक बोझ डाल दिया है, क्योंकि आम आदमी को दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए बस का सफर तय करके जाना पड़ता है। किराए में 25% वृद्धि करके मजदूर वर्ग आहत हुआ है। विधायक ने कहा कि सरकार लोगों को राहत देने की बजाय संकट के दौर में प्रताड़ित करने में जुटी हुई है। वहीं विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि बीजेपी पूंजीपतियों की सरकार है, उन्हें गरीब जनता की कोई परवाह नहीं है। किराए में ही वृद्धि नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं में भी महंगाई दर को बढ़ाया है, जिससे आम जनमानस आहत हुआ है। लखनपाल ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने ये निर्णय वापस नहीं लिया तो कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन करेगी। सरकार को आज सोचना चाहिए था, जो आज पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी से लोग निपट रहे हैं, महंगाई से जो है लोग बेहाल हैं, ऐसे समय में किराया बढ़ाया जाना जो है वो बहुत गंभीर विषय है और चिंता का विषय है और निंदा का भी विषय है। सरकार को आम जनता की तरफ ध्यान देना चाहिए था। पहले से ही महंगाई बहुत ज़्यादा है, डीजल और पेट्रोल के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, साथ में जो हमारे सरकार ने बसों के किराए ही नहीं बढ़ाए और भी जो बिजली के जो सब्सिडी सरकार देती थी उसको भी कम कर दिया, घरेलू बिजली के ऊपर उसके भी रेंट जो है बढ़ा दिया गया है, बिजली में बिलों में वृद्धि कर दी है। ये इस प्रकार के जो सरकार फैसले ले रही है उससे ऐसा लगता है कि सरकार आम जनता की चिंता से कोई सरोकार रखना नहीं चाहती है। और वैसे भी ये पूंजीपतियों की सरकार है, चाहे वो केंद्र की बात हो चाहे हिमाचल की बात हो, पूरे देश में जो महंगाई का आलम है वो आज सिर चढ़कर बोल रहा है। प्रकरण को कांग्रेस पार्टी देख रही है, कांग्रेस पार्टी ने पहले भी महंगाई को लेकर अभी कुछ दिन पहले ही हल्ला बोल कार्यक्रम किया था जिला स्तर पर, महंगाई को लेकर ज्ञापन भी दिया, प्रोटेस्ट भी किया और आगे भी अभी जैसे ही हमारे को आदेश आएगा पार्टी की तरफ से, प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो इसका